हेलो स्टूडेंट, आइए इस नोइंग अवर नंबर्स चैप्टर नंबर 1 एस्टिमेशन यानी आकलन की एक्सरसाइज 1.3 को बनाते हैं। एस्टिमेशन बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम इसके एग्जांपल को समझते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एस्टिमेशन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। जैसे कि हमें यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि एस्टिमेट दिस एडिशन। इसमें यदि हम देखें कि 17,986 5,290 से बड़ा है तो हम लिखेंगे कि 17,986 का जो एस्टिमेशन होगा वो 18,000 होगा। सिमिलरली 5,296, इससे जो छोटा हमारा 1,000 है वो 5,000 है, इससे बड़ा 1,000 है वो 6,000 है। तो हम देखते हैं कि 5,290 जो है वो 5,000 के ज्यादा नियरेस्ट है, इसलिए इसका जो एस्टिमेशन होगा वो 5,000 होगा। अब हमें क्योंकि इस एस्टिमेशन वैल्यू का एडिशन फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 23,000। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 6 को बनाते हैं जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन को एस्टिमेशन करना। तो यदि हम देखें तो 5,673 है एंड सेकेंड डिजिट 436 है। यदि हम इन दोनों ही नंबर्स का नियरेस्ट 1,000 में एस्टिमेशन करें तो 5,673 का नियरेस्ट 1,000 में हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा 6,000 एंड 436 का जो राउंड ऑफ यदि हम नियरेस्ट 1,000 करें तो हमारा 0 होगा। तो ये हमारा जो एस्टिमेशन डिफरेंस जो 6,000 है वो रीजनेबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही डिजिट का नियरेस्ट 100 में एस्टिमेशन करते हैं। नियरेस्ट 100 में एस्टिमेशन करने के लिए हमें 5,673 की लास्ट थ्री डिजिट को देखेंगे तो 673 हमारा का जो नियरेस्ट 100 होगा वो 700 होगा। सिमिलरली 436 का नियरेस्ट 100 400 होगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो इनका जो एस्टिमेशन डिफरेंस आएगा वो हमारा 5,300 आएगा। तो ये जो रिजल्ट हमारे लिए बेटर होगा और ज्यादा मीनिंगफुल होगा ये एस्टिमेशन, तो यही हमारा जनरल रूल ऑफ द एस्टिमेशन कहलाता है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। मतलब एस्टिमेशन हमें जो करना है वो जनरल रूल का यूज करते हुए एस्टिमेशन करना है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया इसमें हम दोनों ही संख्याओं को अगर हम देखें, दोनों ही जो हमारी डिजिट गिवन है 730 909 की, हम दोनों को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, तो 730 का जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो हमारा 700 और 800 के बीच का ये डिजिट है। तो हम देखते हैं कि 730 जो है वो नियरेस्ट 700 के होगा एंड सिमिलरली 998 जो होगा वो 900 के ज्यादा नियरेस्ट ना होके 1000 के ज्यादा नियरेस्ट होगा 100 में यदि हम इसका एस्टिमेशन करें। अब क्योंकि हमें इसका एडिशन करने बोल रहा है तो प्लस करें, तो इन दोनों का हमारा एस्टिमेटेड जो वैल्यू आएगी, एडिशन जो वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू 1700। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी हमारी दोनों डिजिट हमारी 100 में है, तो 796 का हम नियरेस्ट 100 में यदि एस्टिमेशन करें तो ये डिजिट हमारी 700 और 800 के बीच में लाई करती है, विद्यमान है, इसलिए 796 का जो एस्टिमेशन वैल्यू होगा वो नियरेस्ट 800 के ज्यादा होगा। सिमिलरली 314 ये हमारी 300 एंड 400 के बीच की डिजिट है, तो 300 जो 14 है वो हमारा 300 से ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो हमारी 300 आएगी। यदि हम इनका यहाँ पे हमें इसका सब्ट्रैक्शन करने बोल रहा है, अब ना हमें यदि हम इसका सब्ट्रैक्शन करें तो इसका जो एस्टिमेशन हमारा आएगा इट इज इक्वल टू 500। अब हम क्वेश्चन नंबर सी करते हैं जिसमें दोनों ही संख्याएं हमारी 1,000 की संख्याएं हैं, 12,904। तो 12,904 से यदि हम छोटा 1,000 को देखें तो वो 12,000 है एंड नेक्स्ट हमारा 13,000 है, तो 12,904 13,000 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसका हमारी एस्टिमेटेड जो वैल्यू हो जाएगी वो 13,000 होगी। एंड सिमिलरली 2,888
ये हमारे 2000 यानी 2000 और 3000 के बीच में लाई करती है। तो ये जो नंबर है वो हमारा 3000 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसलिए 2888 का जो हमारा नियरेस्ट थाउजेंड में एस्टिमेशन होगा, राउंड अप होगा, वो 3000 होगा। अब हमें क्योंकि एडिशन फाइंड आउट करना है, तो इसका टोटल एडिशन का हमारा जो आंसर आएगा, इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू 16000। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डी में देखें, तो हमारा बौद जो नंबर है वो दोनों ही थाउजेंड का नंबर है, तो बौद अगेन नंबर्स को हम नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड अप करेंगे। फर्स्ट 28,292, ये हमारा 28,000 के ज्यादा नियरेस्ट होगा। सिमिलरली 21,496, यदि हम देखें तो ये जो हमारा जो नंबर होगा वो 21,000 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 21,000। अब हमें क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हमारे इस सब्ट्रैक्शन की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, हमारा जो आंसर आएगा वो 7,000 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, अब सेम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड को करना है। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन को कहता है कि गिवन जो क्वेश्चन है, एक बार हमें नियरेस्ट 100 में इसका एस्टिमेशन करके आंसर निकालना है, और सेकंड टाइम हमें इसे नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन करके यानी आकलित करके हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन को नियरेस्ट 100 में एस्टिमेटेड करते हैं, तो 439 जो हमारा होगा वो नियरेस्ट 100 यानी 400 के ज्यादा नियरेस्ट होगा। 334 हमारा 300 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, एंड 4317 इसकी लास्ट थ्री डिजिट यदि हम देखें ये 300 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 4300। अब हमें इनका एडिशन को फाइंड आउट करेंगे, तो 400, 300 एंड 4300 का हमें टोटल एडिशन करते हुए हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो 4 + 3 = 7 + 3 = 10, तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 5000 के इक्वल आएगा। यदि हम सेकेंड क्वेश्चन को भी देखें और लास्ट थ्री डिजिट को देखें और इनका नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करें, मींस आकलित करें, तो हमारा फर्स्ट जो नंबर है 734, तो 734 जो हमारा 700 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमारी दिस। और सिमिलरली 599 हमारा 600 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 47 एंड देन 47,600। नाउ यदि हम इसका सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करें, तो हमारा जो आंसर आएगा 61,100 के इक्वल आएगा। उसी प्रकार हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 8,325 में ये जो 325 है ये 300 के ज्यादा नियरेस्ट है, एंड 491 हमारा 500 के ज्यादा नियरेस्ट है। अब हमें दोनों ही संख्याओं का नियरेस्ट 100 में राउंड अप करते हुए हम इसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो 13 - 5 = 8 एंड तो हमारा आएगा आंसर 7800। उसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन नंबर डी को भी बना सकते हैं, इसमें केवल हमें लास्ट थ्री डिजिट को देखना है, तो 348 जो हमारा होगा वो 300 के ज्यादा नियरेस्ट होगा, एंड 365 365, क्योंकि 350 से ज्यादा बड़ा है इसलिए इसका जो राउंड ऑफ आ जाएगा 400 आएगा। अब बाकी रिमेनिंग डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे, तो इस प्रकार हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके सब्ट्रैक्शन को निकालना है, तो हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हुए हम इसका नियरेस्ट 100 में एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हमें ईच गिवन क्वेश्चन को नियरेस्ट 10 में राउंड अप करते हुए यानी निकटतम 10 में उनका सन्निकट मान निकालते हुए हमें आकलित करना है। तो हम सेम पैटर्न में सबसे फर्स्ट यदि हमें निकटतम 10 में या नियरेस्ट 10 में
अगर हमें आकलन करना है तो हम लास्ट की टू डिजिट को देखा करें। सबसे पहले हम देखेंगे 39, 30 के ज्यादा नियरेस्ट है कि 40 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो 39 जो है वो 40 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो 439 का नियरेस्ट 10 में हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा 440। सिमिलरली 334 का हमारा नियरेस्ट 10 में है, एस्टिमेशन हो जाएगा 330। इन प्लेस ऑफ 34 हम 30 लिखेंगे, बिकॉज जो 34 है वो 30 के ज्यादा नियरेस्ट है। सिमिलरली जो 17 है वो 10 के ज्यादा नियरेस्ट ना होके 20 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी हम इन प्लेस ऑफ 17 क्या लिखेंगे, 20 रखेंगे, क्योंकि हमें इसको एडिशन को फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, तो हम इसका एडिशन को निकालेंगे। अगर हम इसके एडिशन को निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5090। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम 34 की प्लेस में 30 रखते हुए एंड 99 है, क्योंकि 99 ये हमारा जो है नियरेस्ट है, माने 100 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो 599 का जो नियरेस्ट 100 में अगर हम एस्टिमेशन करेंगे तो ये हमारा, तो इस प्रकार हम इसका इन प्लेस ऑफ 599 600 रखते हुए इसका सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी प्रकार 25 का यदि हमें नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन करना है तो इट इज इक्वल टू 30 एंड 491, 91 जो है हमारा 90 के ज्यादा करीब है, तो हम 491 की प्लेस में 490 लिखते हुए हम इसके सब्ट्रैक्शन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हुए हम इन प्रोडक्ट्स का जनरल रूल के थ्रू एस्टिमेशन वैल्यू निकाल। तो यहाँ पे हमारी बॉड गिवन डिजिट जो है वो 100 के टर्म्स में है, तो हम बॉड का जो राउंड अप करेंगे नियरेस्ट 100 में करेंगे। दोनों ही संख्याओं का हम निकटतम 100 में सैकड़ा में आकलित करते हुए लिखें, तो 578 हमारा 600 के ज्यादा नियरेस्ट है और 161 हमारा 200 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो इन वैल्यूज को रखते हुए हम इनका मल्टीप्लिकेशन यदि निकालें तो सबसे फर्स्ट बॉड डायरेक्शन के जीरो को काउंट करें तो 40 हम जो भी एस्टिमेशन करेंगे वो जनरल रूल का यूज करते हुए करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी संख्या नियरेस्ट 100 के ज्यादा नियरेस्ट है या 1000 के ज्यादा नियरेस्ट है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 5281, ये हमारे 5000 के ज्यादा नियरेस्ट है। बट 3491 में अगर हम देखें तो ये 491 500 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो इसका एस्टिमेशन हम नियरेस्ट 100 में करते हुए 3500 रखते हुए हम इसके मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम जीरोस काउंट करें तो बॉस साइड के जीरोस हमारे 5 जीरोस हैं। अब 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 35 फाइव जा हमारा हो जाएगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 1291, तो 291 हमारा 13 यानी 300 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसलिए हम 1291 का हम 1300 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 592 हमारा नियरेस्ट 100 में करते हुए हम इसका एस्टिमेशन वैल्यू को अगर देखें तो ये हमारी 600 के इक्वल होगी। बॉड जीरोस बॉड डायरेक्शन के जीरोस को काउंट करें तो ये हमारे 4 जीरोस लगेंगे एंड 13 सिक्सा 7। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो 9250 ये हमारा 9000 के ज्यादा नियरेस्ट है और 29 हमारे 30 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यूज हमारी आएगी 27, 9327, ये हमारी वैल्यू होगी 2,70,000। तो इस प्रकार हम जनरल रूल का यूज करते हुए गिवन एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लीकेशन का एस्टिमेशन वैल्यू यानी आकलित वैल्यू को निकाल सकते हैं।